पॉइंट है कि अपने आप को सकारात्मक रखें, और मतलब पॉजिटिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए, और चौथा है कि व्यवहार सही रखें, समय के साथ ना बदलें। अब जैसे आपने देखा होगा कि अपने आप को सकारात्मक, जो तीसरा पॉइंट है कि आपने देखा होगा, मान लो कोई व्यक्ति है, हर जगह होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो आपने देखा होगा जैसे ही वो फैक्ट्री में एंटर करेगा तो उसका मुंह इस प्रकार होगा कि जैसे कि समझ लो कि दुनिया की सारी जो दिक्कतें इसी के साथ में, उसका मुंह मतलब आप देखते ही आपको, अरे यार क्या देख लिया यार, साला दिन ही खराब हो गया, ठीक है। तो आपको क्या है कि ऐसा नहीं कि आप, अगर मान लो कोई भी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको वो प्रॉब्लम का सलूशन सोचना चाहिए आपके मुंह उतारने से, या मतलब आपको दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करने से, कि आपका मान लो घर से किसी बात पे लड़ाई हो के आई, आप फैक्ट्री में एंटर किए, मुंह आपका बना हुआ है, और आप आते ही आते किसी से लड़ बैठे, किसी किसी से बात कर रहे तब भी आपका मुंह बिल्कुल बना हुआ है, मतलब तो आपका जो व्यवहार है वो इस प्रकार होना चाहिए कि किसी व्यक्ति से जब आप बात करें तो आपके साथ साथ उस व्यक्ति में भी क्या है कि सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि आपने देखा होगा जी कि जैसे ही आप फैक्ट्री में एंटर करेंगे तो बिल्कुल एकदम हंसते हुए आएंगे, मतलब उनके चेहरे पे एक अलग सा ही मुस्कान टाइप में होगी, तो ऐसा लगेगा कि हाँ व्यक्ति, और जैसे ही वो दूसरा व्यक्तियों से बात करेगा तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन से बात करेगा, तो वो दूसरों को जैसे कि कोई व्यक्ति आया हंसते मुस्कुराते हुए आया और आपने देखा, अरे वाह क्या बात है, सर आ गए, और आप उनको देख के हो सकता है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम हो और वो आप भूल जाएं, ठीक है, वो फिर आपसे बात करें बहुत बढ़िया से बात करें कि अरे आज ऐसा कर लेना, आज वैसा कर लेना, आज उस व्यक्ति का अरे बर्थडे है आ रहा बेचारे का, चलो कोई नहीं आज पार्टी करते हैं, और आज आपको काम ये समय पे निपटा लेना। तो ये जो रहता है आपका जो व्यवहार है वो क्या करता है, आपके साथ साथ में जो दूसरे भी हैं उनके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, ठीक है। सकारात्मक जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तभी क्या रहेगा कि काम करने में क्या जुनून आएगा, और जब जुनून आएगा तभी कुछ बन सकते हो, ठीक है, और तभी कार्य जो है वो अच्छा होगा। तो आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना है, ठीक है। तो अच्छा, आपको व्यवहार के ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखिए, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मतलब आप नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो देखिए किस प्रकार से जो है बर्ताव रहता है लोगों के बीच में। जैसे आप अगर छोड़ के जा रहे हैं तो आपके जो साथ में काम करते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होगा, अगर आपका अच्छा व्यवहार है तो कहेंगे यार वो मतलब वो सर जा रहे हैं छोड़ के, या वो फलाना व्यक्ति है जब ज़्यादा छोड़ के, यार अब तो यार अच्छा नहीं लगेगा यार, कितना मोटिवेशनल मतलब व्यक्ति हैं वो, हमको जैसे आते आते सुबह सुबह या आएंगे जब भी आएंगे तो अच्छी बातें करेंगे, मोटिवेट करते हैं जिससे हमारा क्या काम अच्छा होता है, और हमारे साथ में रहते हैं, ठीक है, और हमें कोई काम बिगड़ जाता है या तो वो मतलब उसको सुधारते हैं और मतलब मदद करते हैं हमारी। तो एक तो कन्वर्सेशन ये है, लोगों को क्या है अच्छा नहीं लगेगा। तब दूसरा तरीका, अगर आपका व्यवहार ख़राब है तब देखिए क्या कहेंगे, तो आया एक दो, मान लो दो दोस्त हैं, तो एक दोस्त आया, अरे यार, दूसरे कहेगा अरे यार एक खुशखबरी है, बोले क्या खुशखबरी है, बोले मज़ा आ गया, बोले क्या मज़ा आया, बोले बहुत अच्छी खुशखबरी है, आज तो बिल्कुल बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनाऊंगा, बोले सुना तो क्या बात है, तो कहेगा यार वो जो फलाना व्यक्ति है वो यार छोड़ के जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति कह रहे वाह भाई वाह क्या मज़ा आया, तो इसी बात पे काम करते हैं, तो आज तो चल भाई होटल में चलते हैं, आज तो पार्टी वार्टी करेंगे, अच्छा जमा के खाना खाएंगे, अरे सही है साला चला गया, बेकार था, बिल्कुल जब आते ही आते मुंह तो बना हुआ रहता था, जब आते ही आते इधर डांटा उधर डांटा, काम अच्छा है तब भी डांटना, अब बुरा है तब तो डांटते ही डांटता है। तो ये जो रहता है ये आपका व्यवहार शो करता है कि सामने वाले व्यक्ति का क्या व्यवहार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये भी नहीं है, अगर किसी भी व्यक्ति की अगर काम खराब हुआ है और उसमें गलती है तो उसको आपको डांटना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपका व्यवहार बिल्कुल अच्छा है कि गलत काम हो गया तब भी आप डांट नहीं रहे हो, या मतलब आपको लगता है कि ये गलत है तो आप डांट नहीं रहे हो, तो गलती पे डांटना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आपके व्यवहार में शामिल होता है। गलती के समय आप डांटिए और
जब अच्छाई हो या फिर अच्छा काम हो तो आप उसको क्या करें, आप शाबाशी दें, तो ये भी आपके व्यवहार में शामिल होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अभी तो बहुत ज़्यादा ही मतलब टॉपिक थे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसीलिए क्या है, मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और कुछ शेयर भी कर दें, लोगों को शेयर करें, क्योंकि लोगों का व्यवहार हो सकता है इससे चेंज आए, और जब सुबह सुबह अपने काम पे जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं और लोगों को मोटिवेट करें, ना कि उनको डीमोटिवेट करें। ठीक है।